विदिशा जिले के पठारी में आयोजित श्री राम नवमी महोत्सव भक्ति श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। प्रातःकाल से लेकर देर रात तक मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और संकीर्तन का आयोजन किया गया। इसी दौरान नगर में भी बजरंग दल ने एक विशाल और ऐतिहासिक शोभा यात्रा निकाली। बुधवार को बजरंग दल ने श्री राम नवमी महोत्सव का आयोजन किया। प्रातःकाल से ही श्री राम जानकी राज मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। दोपहर 3 बजे महाआरती के बाद नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में श्री राम जानकी राज मंदिर से श्री हनुमान मंदिर, श्री राधा कृष्ण पोदार मंदिर, श्री बड़ी माता मंदिर, श्री राम जानकी साहू समाज मंदिर और मुख्य बाजार तक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में भगवान श्री रामचंद्र जी के रथ के साथ 2 सुरक्षा कवच के रूप में 2 क्लासिक गाड़ियां भी शामिल थी। इस यात्रा में सभी श्रद्धालु सफेद पोशाक और भगवा साफा धारण कर भाग लिए। शोभा यात्रा में दुर्गा वाहिनी ने भगवा साफा और ध्वज धारण कर शक्ति का प्रदर्शन किया। घर घर गली गली में भगवा ध्वज सजे और नगर में राममय माहौल बना दिया। श्री राम जानकी साहू समाज मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और महाआरती के बाद श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित करके महोत्सव का समापन किया। इस शोभा यात्रा में विभिन्न नागरिक, जनप्रतिनिधि, व्यापारी, पत्रकार, धार्मिक संगठनों के पदाधिकारी, सदस्य और श्रद्धालु ने भाग लिया। विदिशा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेली की रिपोर्ट। बने रहे खबरदार न्यूज के साथ।